दोस्तों हालत देख सकते हैं आप कैसी हो गई है। और आज तो उंगली भी कट गई है और हमने दूसरा खेत भी कंप्लीट कर लिया है जो कि था उसको। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, जो आपके लिए ब्लॉग आ रहा है, ये आ रहा है उत्तराखंड के पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के नैनडांड ब्लॉक के कौलामल्ला गाँव के इन सुंदर वादियों से, क्योंकि अभी हम हैं गाँव ही। और पहले ब्लॉग में हमने देखा होगा कि योगिंदा ने आपको बताया होगा कि क्या क्या बीता हमारे इस मतलब एक महीने के बीच में, बहुत कुछ बीता। चलो छोड़ो, इस पर आप क्या बात करें, बात करके भी क्या करना है। और अभी सुबह के टाइम मतलब जल्दी उठ चुका हूँ, अभी 6:30 हो रहा है और हमारे इधर धूप मतलब आ ही जाती है, मतलब अभी उस दहियों तक आ रखी है धूप, मतलब हमारे घर तक पहुँची नहीं, क्योंकि यहाँ पे आगे ही जो आपको दिख रहा होगा घर, इस वजह से आता नहीं। धूप तो आ चुकी है, आपको उधर दूसरे डांड में दिख रहा होगा पूरा धूप आ चुकी है। और अभी आजकल चल रहा है असूज का महीना। असूज का महीना मतलब घास काटने वाला महीना। तो मम्मी उठ चुकी है, मम्मी जी भी देखिए इधर। अभी मतलब हम सुबह ही बना लेते हैं खाना वाना, मतलब खाना क्या ब्रेकफास्ट करते नहीं, ब्रेकफास्ट सीधे मतलब लंच मतलब चावल ही बना लेते हैं सीधे। तो अभी मम्मी चावल बना रही है, योगिता अभी तक उठ नहीं रखी है, उसे उठाते हैं पहले। और मैं भी उठ चुका हूँ, अभी मैं सीधे तो अभी ब्रश कर रहा था। और देखो मतलब आजकल मस्त धूप खिल रही है पहाड़ों में, मतलब मस्त हो रखा। और मम्मी और योगिता तो आजकल काट रहे हैं घास, भाई घास का टाइम हो रखा पूरे। ये राई की भुजी देखिए हमारी, यहाँ पे शुद्ध शाकाहारी हरी भुजी राई है, ये पूरा हो रखा है हमारा। और देखिए ये भी गांव का नज़ारा, पूरा पूरा गांव का नज़ारा देखो। अभी उधर से आ रही है धूप हल्के हल्के, अभी हमारे घर में तक पहुँची नहीं है। और डांडों में तो पूरा धूप आ गया, थोड़ी थोड़ी आने लग गई देखो, नहीं तो ये जो घर है ना आगे इससे इस वजह से आता नहीं, पर अब आने लग गया। और अभी हमारी मम्मी बनाएगी हमारे लिए भुज्जी, राई की भुज्जी ये देख। और दोस्तों ये है हमारे शुद्ध हरी सब्जी। और गांव में देखो यही तो बढ़िया है कि मतलब जब मन करे तभी अपने सीधे खेत से ही तोड़ के ले जाओ भुज्जी। और देखिए हमारी चाची भी आ गई है छंदोड़ से, और मुड़ में रख रखा है गोबर का फंचू। और ये नमड़ा दिया भाई, बहुत भारी हो गया था चाची में। अभी मतलब चाची आ रही है छन्नी से, आ रही है चाची अभी गौशाला से दूध दूध निकाल के। अभी देखिए उसके बाद आजकल ये भी चले जाते हैं सुबह सुबह घास काटने। आजकल असूज का महीना तो क्या ही, लोगों को पता होगा जो गांव वाले हैं जो देखते हैं उन्हें तो पता ही होगा कि क्या हालत होती है असूज के महीने में। यहाँ पे टूटरिया मार ले हरी भुज्जी भाई, आज बनेगी हरी भुज्जी राई की सब्जी। बात दोस्तों, तो जैसे कि आपने देखा होगा मैं भी उठ चुकी हूँ, और आज थोड़ा मैं लेट उठी, नहीं तो और दिन मैं जल्दी उठ जाती हूँ योगेश भाई से, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना होता है। मतलब मम्मी सब कुछ तैयार करके रख देती है, मुझे चूल्हे में ही रखना होता है बस। अभी भी यहाँ पे मम्मी क्या जमायू, ये चिंदी मम्मी राई की भुज्जी, और इसकी मतलब भुज्जी नहीं बनानी हमने, क्योंकि आजकल आपको पता ही है कि असूज का महीना चल रहा है, यानी कि घास काटने वाला टाइम चल रहा है। तो सुबह हम नाश्ता मतलब सीधे चावल और मतलब दाल ही बना लेते हैं और रोटियां बस, बाकी मतलब ऐसे कोई अलग से वो नहीं करते कि दिन में लंच बनाओ सुबह ब्रेकफास्ट बनाओ, ऐसा कुछ नहीं है, सीधे हम सुबह ही बना देते सब कुछ। और अभी राई काटी मम्मी, तो इसकी हम धबड़ी बनाएंगे, भुज्जी नहीं बनाएंगे, जो कि चावल के साथ खाया जाता है, आप लोगों को पता भी होगा, है ना। तो चलो अभी मम्मी काट रही है, फिर थोड़ी देर बाद मैं बनाती हूँ, उसके बाद साफ सफाई करती हूँ, तब जाना है हमने घास काटने के लिए खेत में। और दोस्तों आज है संडे, तो आज जो स्कूल जाते हैं बहनें उन्हें नहाना भी है और हमने भी नहाना है। और गांव में तो हो रखा बहुत ज़्यादा ठंडा पानी। और दोस्तों पहले तो हमें जब हम स्कूल जाते थे हमें ऐसा लगता था कि सिर्फ संडे को ही नहाते हैं और टाइम स्कूल जाते हैं, जो हमारे गांव में रहे होंगे मतलब भाई सब उन्हें पता है, ऐसा लगता था कि संडे को नहाना और दिन तो नहाना नहीं है। तो यहाँ पर हमने पानी गर्म करते हैं, और यहाँ हमारे पास पानी गर्म करने का रॉड भी है और हम इससे नहीं कर रहे। यहाँ पर मैं अंगीठी है चूल्हे में, उसमें जलाता हूँ आग, उसमें पानी गर्म करते हैं, तो इससे हमारा बिजली बचेगा पर हमारी लकड़ी की खपत होगी। तो हम जलाते हैं आग पहले। और यहाँ पे योगी तो पी रही है चाय, उधर से उधर से धूप आ रही है बहुत तेज़, वो दिख नहीं रहा पूरा काला काला सा हो रहा है। तो मैं जलाता हूँ पहले आग, उसके बाद नहाते हैं धोते हैं आज ज़रा संडे में, क्योंकि दौड़ा भागी हो रही है आजकल, कभी कहीं कहीं भी, तो आज रेस्ट पूरा। जला रहे हैं यहाँ पर चूल्हा।
यहाँ पे योगेश भाई ने जला ली है आग बड़ी ही मुशक्कतों के बाद। जली इधर आग जलाओ जलाओ आग जलाओ तब रिमूव जाना हो। पानी गर्म करने वाला रॉड भी बड़ा मुश्किल कर रहे हैं। जब लकड़ी है भरपूर मात्रा में तो ओह यहाँ देखिए है हमारे दादी जी और ये आ रहे हैं। ये आए छंदूर से आजकल तो पता ही है दोस्त। दोस्तों ये पतीला देख रहे हैं अभी हमारा परमानेंट पतीला है जिसमें हम ओनली क्या बोलते पानी गर्म करते हैं। ये देखो बोला लगा चमका रहे हैं। और दोस्तों हम हो चुके हैं नहा धो के तैयार और अब करते हैं ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में सीधे चावल लिए और अभी चावल तो बन चुके हैं। अभी योगिता रोटी बना रही है और यहाँ पे हमारी दादी यहाँ पे अभी चाय की चुस्की ले रही है आराम से। हेलो हेलो तो क्या जरा ये हम दादी बोल रही कि मैं भी आ गई बोले हमें तो अब दादी भी हमें यूट्यूब में छाएगी हमारी दादी। तो अभी दादी ले रही है चाय की चुस्की ले रही है अभी सुबह सुबह। तो उसके बाद करते हैं ब्रेकफास्ट और मेरी मम्मी सलाद भी ला रखी है हमारे साथ। सैलड है सैलड में मूली वो भी हमारे सीधे खेत से अभी निकाल के ला रखी है मूली सब। मतलब पहाड़ में तो है ही भाई जो सैलेड और सब्जी जो बन रखी है आज वो सब अपने खेत का होता है और मूली भी है सैलेड। तो मैं मतलब सैलेड मूली काटता हूँ पहले उसके बाद आपको मिलते हैं। खेत से लाए थे मम्मी मूली निकाल के उसमें मिट्टी मिट्टी और के इसे करते हैं पहले साफ उसके बाद काटते हैं इसे। हमने भी धो लिया मूली इसे काटते हैं। पहुँच गए और दोस्तों मूली भी कट कर लिए और यहाँ पे देखिए योगिता बना रही है रोटी। और देखो इधर सारा देखो हमारे इधर दीवार काला काला हो रहा है क्योंकि हम यहाँ अंदर आग जलाते हैं ना इस कारण पूरा काला काला हो जाता है। आपको दिख रहा होगा आप बोल लोगों की अंदर कैसे कर रखा है। पहले जलाते थे अब नहीं जलाते। अब भी जला लेते हैं कभी कभी पर पहले जलाते थे तो पूरा सर्दियों में जब जब ठंडी मतलब ठंडियों में जलाते हैं आग और देखो पूरा हो रखा ना काला पूरा उससे धुएं से हो रखा है। यही तो गाँव की पहचान है दोस्तों काला नहीं होगा तो क्या होगा। पर दोस्तों क्या करें ना आग जलाना ही है इतना गैस का वो है नहीं है कि तो फिर जब लकड़ियाँ पूरी मात्रा में मिलती है यहाँ तो फिर तब आग से जलाते हैं इसलिए पूरा काला काला ऐसा लग रहा है कि क्या हो रखा है। पर ठीक है दोस्तों फिर तो दोस्तों फिर ठीक है फिर मिलता हूँ मैं अभी मतलब खाना खाता हूँ उसके बाद मिलते हैं आपको सीधे खाना खाने के बाद। उसके बाद जाएंगे मम्मी और सीधे घास काटने तो आपको फिर दिखाता हूँ फिर आगे क्या क्या करते हैं मतलब आगे। हेलो दोस्तों चलते हैं अब घास काटने के लिए। मम्मी और बुल्ली तो चले गए हैं और अब मैं उनके लिए चाय नाश्ता लेके जा रही हूँ। देख सकते हैं आप ड्रेस घास काटने की हमारी कमीजें इनमें ना कुमरने लगते तो चलो फिर ये हमारा बैग और हम भी रेडी हमारा बैग भी रेडी तो चलो फिर चलते हैं। क्यों बंद चलो दोस्तों तो मैं जा रही हूँ और आपको भी ले जा रही हूँ। दगड़ो हमारे दगड़ घास काटने आ जाओ प्लीज। कल तो सारे लोग घास काटने में बिजी हैं तो यहाँ पे है मेरी बोड़ी भी काट रही है घास। चुक मिलाती हूँ मैं आपको अपनी बोड़ी से और बोड़ी मतलब होता है ताई ठीक है गढ़वाली में बोड़ी बोलते हैं। हाँ तो ये हमारी भुल्ली है और ये हमारी बोड़ी है। तो कहाँ लगवा तुम ताई कहाँ लगवा ही अरे मतलब कुल मिला बढ़िया नहीं लगवा। ओहो पर मजबूरी हो गया ना तभी तो क्या करे दोस्तों। और जो मतलब बहर चल गई लोग है ना कोई काकी बोड़ी दीदी भुल्ली देख मोला हम था है ना तो अपरा दिन याद आ मोला है ना कि हम भी कर सा कह दिन जुया खून चल गोला तभी तो क्या करन तब बढ़िया बाबल तुम ये खून चल गए जो ये बोल दी ऊपर से खेत में। और ये आप देख सकते हैं घास के बीच में खड़ी हो रखी हूँ मैं और मुझसे भी लंबा घास हो रखा है बाप रे क्या ही बोले। और अभी आपने ताई की बात भी सुनी होगी कि कितनी आफत आ रही है और आजकल तो
सबको ही बहुत ताकत आती है। जिनके गांव में मतलब अनाज वगैरह होता होगा उनको भी तो आती है, और जिनके इधर घास हो रखा है उनको भी। हमारे इधर तो घास है, बाकी कुछ नहीं है, दोनों टल्ली सारी मल्ली सारी सब जगह घास ही घास है। वहाँ पर कितना लंबा लंबा घास हो रखा है। क्या वो नीचे मम्मी लोग बोले उधर से आ, इधर से रास्ता है। कहने भाई तो चलो चलते हैं, मिलते हैं आपको खेत में। पहुंच चुकी हूँ मैं अपने खेत में, और ये देख सकते हैं आप मम्मी और नीतू ने कितना काटा है। ये देखो दोस्तों, ये है नीतू और ये है मम्मी। इतना बड़ वेर घास है कि दिखेड़ भी नहीं मैं। और ये तल्ला कोला, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया। तो ये नीतू है, नीतू से पूछते हैं कि कैसा लग रहा है। कल लगा नीतू बोले खैरामा। अच्छा तुमको खैर आ रही है। और माँ जी आप बताइए आपको कैसा लग रहा है, है? बाप रे बहुत आफत है दोस्तों। पहुँच गई हूँ मैं खेत में, तो चलो अब काटते हैं घास। कम तक चु माँ, बहुत लंबा खेत है ये। जहाँ से मतलब शुरुआत की थी मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ काट रखा है, वहाँ तक पहुँचना है हमको। तो चलो अभी काटते हैं घास, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, ठीक है? लंच पे। दोस्तों ये काट लिया है हमने, और बस थोड़ा सा रह गया हमारे लिए। और ये देखो काट के फिर घास को हमने ऐसे सुखाया है, और ये सुखाने के बाद इसको पेड़ पे लगाना है, जिसको कि बोलते हैं सूला। आप बताना कि आपके इधर क्या बोलते हैं। हमारे तो सूला लगाना बोलते हैं, जिसके जैसे कि मतलब ये घास रखा है हमने सुखाने के लिए, उसके बाद इसको बांध के और फिर ऐसे जैसे पेड़ है तो पेड़ पर लगाना है, मतलब घास को स्टोर करके लगाना, तब ऐसे में सड़ता नहीं है, अच्छा रहता है गाय के लिए। और बस थोड़ा सा रह गया ये, अभी तो और भी है नीचे, पर इस खेत में इतना सा रह गया है, तो इसको कंप्लीट करते हैं। दोस्तों पहले ना हम इस खेत में, जिस खेत में भी घास काटे ना, पहले यहाँ धान वगैरह काटे जाते थे, धान गेहूँ वगैरह मतलब जो भी अनाज होता था। और आज का टाइम देखो कि हम घास काट रहे हैं फिर उसको सुखाने के लिए डाल दें। पहले मतलब धान गेहूँ काटते थे फिर उसे सुखाने के लिए रखते थे, और आज ऐसा टाइम आ गया है कि अब घास काट के फिर सुखाने रख रहे हैं। समय समय की बात है ना। और जो लोग मतलब काकी बोड़ी दीदी लोग शहरों में चले गए होंगे, वो लोग जो हमारी वीडियो देख रहे होंगे, तो उन लोगों को अपने दिन याद आ गए होंगे, है ना, कि मतलब हम भी कभी जाते थे ऐसे घास काटने के लिए, सारे दिन भर घास काटते रहो, वही उनके लिए चाय पानी आता था, है ना। उनको भी अपने दिन याद आ रहे होंगे जो लोग हमें देख रहे होंगे। तो थोड़ा सा रह गया है जैसे कि मैंने आपको बताया, तो चलो काटते हैं। और धूप देखो कितनी तेज़ लग रही है, बहुत ज़्यादा लग रही है धूप भी, तो अभी इसको कंप्लीट करते हैं फिर मिलते हैं आपको। घास तो बड़ा अच्छा हो रखा है दोस्तों, बड़ा बड़ा, और काटने में मज़े आ रहे हैं। पर चूहों ने ना घास खा के उनकी घास की हालत इतनी ख़राब कर रखी है ना, तो ऐसे कुतर रखा है ना कि हमारी हालत भी ख़राब हो रही है। फिर उसको काटते समय पता हमारे हाथों के ऐसे छिलके निकल रहे हैं ना, क्या बोले। अब चूहों ने भी तो क्या खाना है, उन्होंने भी तो घास ही खाना है ना, पर बहुत बुरी हालत कर रखी है घास की। और पता अभी घास काटते काटते मेरे आँख के अंदर पता नहीं क्या चले गया, पता नहीं क्या मतलब कुमर चले गया, और बहुत गंदे तरीके से काट रहा है। अभी तो निकल दिया है पर फिर भी आँख दर्द हो रही है। पता अक्सर होता है मेरे साथ ऐसे, मेरे आँख के अंदर कभी कुछ घास चले जा रहे हैं कभी कुछ चले जा रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं मेरे सर में इतने सारे कुमर लग गए हैं। और जो खेत मैंने आपको अभी दिखाया वो हमने कम्प्लीट कर दिया है, और लगभग 1:30 बज गए हैं, 2 बजे हम लंच करेंगे। अभी हम दूसरे खेत में जा रहे हैं शायद, अभी मम्मी से पूछते जा रहे हैं, तो पहले लंच करेंगे उसके बाद जाएंगे। तो चलो दिखाते हैं आपको हम क्या ला रखे हैं लंच में, है ना। चलो दोस्तों ये हमारा लंच हमने यहाँ पे खोल दिया है, और ये है किस चीज़ की चटनी है, ये हरी मिर्च पुदीना और धनिया, और ये इसमें हमारी रोटी है, ये हमारे टकाटक, इसमें चाय है पानी है सब कुछ है। तो अभी हम करते हैं लंच, और दोस्तों हमारे लिए किसी पिकनिक से कम नहीं है पता, हमारे लिए तो यही पिकनिक है। चलो मिलते हैं फिर लंच करने के बाद, आप लोग भी आ जाओ खाने के लिए चटनी। तो अभी हम कर रहे हैं लंच, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में दूसरे खेत में। और मेरे फ़ोन में बैटरी भी नहीं है, तो शायद ही अगर है तो अगर बैटरी रही तो आगे का ब्लॉग बनाऊंगी, है ना। चलो अभी लंच करते हैं, आप लोग भी आ जाओ और
हाँ ठंड इतनी ज़्यादा, मतलब धूप इतनी तेज़ हो रही है ना, ठंडी में बैठ के बड़ा सुकून मिल रहा है। और हमारे तो जैसे मैंने आपको बोला कि यही पिकनिक है खेत में, है ना? क्यों नित्तू आप भी बोलोगे कमीजें बड़ी अच्छी अच्छी पहन रखी है इन्होंने ना, इनमें ना वो क्या बोलते उम्र नहीं लगता, ये वहाँ तब पहन रही है अमली, और ये मेरे पापा जी की कमीजें है। चलो फिर करते हैं लंच, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। दोस्तों लंच भी हमने कर दिया है और अब नींद आ रही है हमको लंच करके बहुत ही खतरनाक नींद आ रही है, पर सोना नहीं है, घास काटना है अभी तो चलो चलते हैं अब दूसरे खेत में। कब जाना अब? और मैं दिखाती हूँ आपको मम्मी क्या कर रही है। हाँ तो ये करिए मम्मी, यहाँ पे दराती को धार दे रही है ताकि घास काटने के लिए और भी तेज हो जाए। तो देखो ऐसे दी जाती है धार, ये एक पत्थर है जिसमें दरातियों को ऐसे घिसा जाता है, फिर उनको और अच्छी तरीके से घास काटने के लिए तैयार किया जाता है ना। और दो यहाँ पे भी रखे हैं ये देखो। चलो फिर चलते हैं ना दोस्तों, टांग लिया हमने अपना बैग दूसरे खेत में जाने के लिए। आप लोग भी बोले कब से बोल रहे दूसरा खेत, पर जा नहीं रहे, जा रहे अपनी धीमी धीमी कदमों से दूसरे खेत की तरफ बढ़ते हुए, दो तीन वॉलंटियर। चलो चल रहे क्या दोस्तों, हालत देख सकते हैं आप कैसी हो गई है, और आज तो उंगली भी कट गई है। और हमने दूसरा खेत भी कंप्लीट कर लिया है जो कि था उस कोने से और वहाँ तक, इधर तो सांप नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब जा रहे हम तीसरे खेत में, चलो फिर चलते हैं। और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, ये देखो दो वॉलंटियर इधर है और तीसरी मैं, और मेरी उंगली भी गिंडक गई है आज। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं अब तीसरे खेत में। चलो तो चलते हैं अभी। देखो मम्मी और भुली आगे से चले गए हैं, हम पीछे से जा रहे हैं। और टाइम अभी हो गया है 4 बज गए हैं, 1 घंटा और है हमारे पास, 1 नहीं 1.5 घंटा और है हमारे पास। तो देखते हैं तीसरे खेत में हम कितना कंप्लीट करते हैं, उसको पूरा कर पाते कि नहीं कर पाते, आप लोगों को भी बता दें ठीक है। हमारा आज का टारगेट, 2 खेत तो कंप्लीट हो गए हैं और अब तीसरे में जा रहे हैं, देखते हैं फिर तीसरा कंप्लीट कर पाते कि नहीं, है ना? बने रहे दोस्तों हमारे साथ, बाय। तीसरे खेत में तो हम आ गए हैं, तो अब हम विटामिन ले रहे, थोड़ा एनर्जी ना, हमारी एनर्जी ख़त्म हो गई है, तो इसलिए हम सेब और केले लाए थे। तो अब तीसरे खेत के लिए सेब और केले खा रहे, दूसरे खेत के लिए हमने लंच किया था और पहले खेत के लिए हम ब्रेकफास्ट करके आ रखे थे। ये देखो एक यहाँ आए माँ का, क्यों एक आए नीचे, तो खाते हैं सेब और फिर काटते हैं घास। सो दोस्तों तीसरा खेत भी कर लिया हमने कंप्लीट, आज का टारगेट हमारा पूरा हो गया है। अब इस खेत में हमने सीधे जो घास काट के सुखाने के लिए रखा है वो लगाने के लिए आना है सीधे पेड़ में। और चल माए तेरे, हाँ ला रही हूँ मैं, ये देखो अब ये तो लग गया रास्ता, मम्मी भी और नीतू भी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया आज का टारगेट हो गया हमारा पूरा, तीनों खेत हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब चलते हैं घर, मम्मी और नीतू तो ले जा रहे घास गाय के लिए और मैं ले जा रही हूँ मेरा बैग। तो चलो चलते हैं घर की ओर, सारा जाना पड़ रहा है मेरे को खेत में। इस नित्तू ने मम्मी का फोन खेत में ही छोड़ दिया, पागल लड़की। दोबारा जा रही हूँ, देखते हैं कहाँ पे रखा है। तो दोस्तों अब हम घर जा रहे हैं, और घर जाके अभी टाइम 5:30 हो गया है और अभी खाना वगैरह भी बनाना है अब घर जाके। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर दोस्तों आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहना दोस्तों, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहना। जो लोग भी हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो भी हमको सपोर्ट करें। देखो कितना लंबा लंबा घास हो रखा है, और वहाँ देखो मम्मी रुक रखी है मेरे को। तो चलो फिर अब हम घर जा रहे हैं, तो तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना। मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, धन्यवाद।
hear me.